हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैदराबाद के मियापुर के एग्जीबिशन ग्राउंड में एक मेला लगा हुआ है, उसका नाम है मियापुर उत्सव मेला। इसका एंट्री फीस 50 रुपीस पर पर्सन है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ ये मेला कैसा है। एंट्रेंस में घुसते ही सेल्फी पॉइंट से बहुत सारा 3D फोटोग्राफ्स है, वहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं। मैं हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटो खींचा है, देखिए ये फ़ोटोज़ हमने खींचा है। और भी बहुत सारा 3D फोटोज़ है जहाँ पे आप अच्छा अच्छा फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे रोबोटिक एनिमल्स है। ये रोबोटिक एनिमल पूरा असली जैसा लग रहा है। इसका साउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, बच्चों को तो बहुत अट्रैक्ट करेगा ये, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। उसके बाद एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसका पहला स्टॉल क्लॉथ का था, डेली वेयर का क्लॉथ वहाँ पे बहुत सारा था और कुर्तीज़ वगैरह भी था, नाइट वेयर बच्चों का ड्रेस भी था। उसके बाद टेक्सनरी का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो भी, उसका भी स्टॉल था। फिर साड़ी का भी स्टॉल था। फिर उसके बाद बैंगल का स्टॉल था, वहाँ पे बहुत नया नया डिज़ाइन का बैंगल था, 4 पीसेस को 50 रुपीज़ करके दे रहे थे, बहुत अच्छा डिज़ाइन था वहाँ पे। बच्चों का टॉयज़ का भी एक स्टॉल था, वहाँ पे बहुत वेराइटी का टॉयज़ था, फेस मास्क था, बहुत सारा टॉयज़ था। वहाँ पे बैग्स का भी स्टॉल था। वहाँ पे घर सजाने का डेकोरेटिव आइटम का भी एक बहुत अच्छा स्टॉल था, वहाँ पे बहुत सारा सामान था डेकोरेटिव आइटम का। वहाँ पे की रिंग का स्टॉल था, जहाँ पे वहाँ नाम लिख के की रिंग्स दे रहे थे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सारे लेटर अलग अलग था, वो लेटर को वो गम में की रिंग में चिपका कर दे रहे थे, मगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था ये।
देखिए ये रेडी है मेरे बेटी का नाम का केरिंग। फिर वहाँ पे बहुत सारा स्टॉल था जिसमें गेम्स वगैरह खेल रहे थे। वहाँ पे गन बंदूक का वो बलून का गेम भी था, बहुत सारा गेम था। फिर वहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे पिकल्स मिल रहा था और वैरायटी पान मसाला चूरन हाजमा बट्टी ये सब मिल रहा था। वहाँ का पिकल हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा था। स्वीट मैंगो पिकल एक मैंने लाया, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। बहुत वैरायटी का पिकल था, जिंजर गार्लिक। और वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत सारा शॉप है, बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी वहाँ मिल रहा था। बच्चों के लिए गेम, बहुत सारा गेम्स भी वहाँ पे है। खाने फूड स्टॉल भी बहुत सारा फूड स्टॉल था। हमने एक पापड़ लिया, बहुत बड़ा साइज़ का पापड़ था, मसाला लगा के दे रहे थे, बहुत ही टेस्टी लगा। सेरवामा चाट पानीपूरी सारे चीज़ का स्टॉल है, मंचूरिया फ्राइड राइस सब का स्टॉल है। ये देखिए चॉकलेट फाउंटेन्स। ये कॉटन कैंडी का स्टॉल था, कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न का। ये एक यूनिक स्टॉल था जहाँ पे स्मोक बॉल्स दे रहे थे, उसको खाए तो स्मोक निकल रहा है, मुंह से धुआं जैसा निकल रहा है इसको खाए तो। बहुत यूनिक लगा, पहले फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। और ये देखिए ये बहुत सारा गेम्स है, बच्चों का गेम्स है जो कि बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। वहाँ पर बोटिंग भी था। मेरी बेटी बहुत एंजॉय की बोटिंग करके। ये भी बहुत सारा गेम्स है। ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेस है। आप अगर हैदराबाद में हैं तो आप वहाँ पे बच्चों को लेके जा सकते हैं, वहाँ जाइए और एंजॉय कीजिए। ऐसे नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।